नमस्कार दोस्तों, ये मेरे बालसम का प्लांट है और अभी आप देख रहे हैं इसका गमला दिखाई नहीं दे रहा है। ये मैंने 4 इंच के पॉट में लगाया हुआ है और इसने प्लांटर को पूरा घेरा हुआ है और मैं इसका आपको ओरिजिनल ये कैसा प्लांट था वो भी दिखा देती हूँ। एक मेरी कलीग ने मुझे गिफ्ट किया था और तब ये मैंने इसका वीडियो शेयर किया है। तो ये मेरे पास ये एक सिंगल स्टेम वाला प्लांट था, ये मैं आपको पुराना वीडियो अपने मोबाइल में दिखा रही हूँ, आप देख रहे होंगे। इसमें एक सिंगल स्टेम है और छोटे से एक पाव वाले दही के डिब्बे में ये लगा हुआ है। ये मुझे बिल्कुल ऐसे ही एज इट इज मिला था और मैंने एज इट इज इसको ला के रख दिया था। और इसमें एक बार फ्लावरिंग हुई थी तो दो दो करके इसमें 4 फूल आए थे और उसके बाद इसमें फ्लावरिंग आनी बंद हो गई थी। उसके बाद मैंने इसे इस 4 इंच के पॉट में ट्रांसफ़र किया, ये नर्सरी पॉट है। और मैंने इसका स्टेम थोड़ा लंबा हो गया था तो मैंने उसके 2 टुकड़े और तोड़ करके अलग अलग इसी पॉट में लगा दिए थे। तो इस समय इसमें 3 रूटिंग हैं, यानी 3 जड़ें हैं जिनसे स्टेम निकले हुए हैं और बाकी उनसे ब्रांचेज निकली हुई हैं जो मैंने टाइम टू टाइम पिंचिंग करके बनाई है। एक्चुअली हुआ ये था, मैं पिंचिंग करने में थोड़ा सा घबराती हूँ, दिल मजबूत नहीं कर पाती हूँ, लेकिन हुआ ये था कि जब मैंने इसे पॉट में लगाया, इस प्लांटर में लगाया, उसके बाद इसमें दोबारा फ्लावरिंग हुई थी और फ्लावरिंग होने के बाद उस समय जब तेज़ धूप पड़ने लगी तो इसके पत्ते दिन में मुरझा जाते थे, तो मुझे लगा कि तेज़ धूप ये सहन नहीं कर पाता है और इसको अंदर रखना चाहिए। तो मैंने इसे अंदर घर की बालकनी के पास जहाँ पे धूप आती है छनका शीशे से वहाँ रख दिया था। लेकिन क्या हुआ कि फ्लावरिंग तो होती रही घर के अंदर भी क्योंकि धूप तो आ रही थी, लेकिन इसके पत्ते जाली जालीदार हो गए थे, इनमें कुछ ऊपर से जाली जैसा हो गया था। और उसके बाद इसमें कलियाँ उस समय बहुत सारी बनी थी और सारी कलियों से फूल भी बन गए थे, लेकिन फूल बनने के बाद वो जो जाली सी पत्तियों में बनी थी उसने पूरी पत्तियों को, ब्रांचेज को और फूलों को पूरा ढक लिया था। तो मुझे फिर समझ नहीं आया कि अब क्या करना चाहिए। तो मैंने उसकी सारी जालियों को पहले साफ़ किया, पत्तियों को हटा दिया और उसके सारे स्टेम को तोड़ के, जिनमें ज़्यादा जाले लगे हुए थे उन सारे स्टेम को तोड़ करके हटा दिया और उसके बाद मैंने इसे बाहर धूप में रख दिया और अब नतीजा आप लोगों के सामने है। ये बचाने के लिए एक्सपेरिमेंट ही था क्योंकि मुझे लग रहा था कि उस जाले के बाद अब ये पूरा पौधा सड़ जाएगा, सड़ने जैसा ही लग रहा था, लेकिन मैंने सारे स्टेम तोड़ करके और फिर इसे वापस धूप में रख दिया था बाहर। और तब से मैं इसे लगातार पानी तो दे ही रही थी, थोड़ा पानी से कम चाहिए होता है, इतना कम कि सुबह का डाला हुआ पानी शाम को सूख जाए और शाम को डाला हुआ पानी सुबह तक सूख जाए, इतना कम पानी से चाहिए होता है। तो वही मैं करती रही और उसके बाद इसमें से धीरे धीरे जहाँ से मैंने पिंचिंग की थी, जहाँ से मैंने स्टेम तोड़ दिए थे, पिंचिंग भी क्या, मैंने तो बचाने के लिए तोड़ा था, तो जहाँ जहाँ से मैंने तोड़ दिया था वहाँ से नए स्टेम निकले और उनसे नए पत्ते आए और उसके बाद ये इतना घना हो गया है। तो अब मुझे विश्वास हो गया है कि पिंचिंग से प्लांट्स अच्छे हो जाते हैं। वैसे पिंचिंग मुझे पहली बार हैप्पी गार्डनिंग सर ने करवाई थी, एक मेरा गुलदाउदी का प्लांट उस समय फ्लावरिंग सीजन में फ्लावरिंग नहीं कर रहा था, तो मैंने अपने यूट्यूब पे ही क्वेश्चन पूछा था कि इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो उन्होंने मुझे बोला था कि आप इसको कट कर दीजिए ऊपर से, तो मैंने उसको थोड़ा थोड़ा कट कर दिया था तो उसमें भी फ्लावरिंग हो गई थी। तो वही इसमें भी बचाने के लिए जब मैंने अप्लाई किया तो इसका बिल्कुल काया पलटी हो गई है, पौधा भी बच गया है और इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, इसमें बहुत सारी ये बड भी बन रही हैं। तो और मैं इसको कभी कभी आजकल अनियन
अनियन के छिलकों का पानी दे रही हूँ लिक्विड फर्टिलाइज़र की फॉर्म में। और सर्दियों के टाइम पे मैंने इसे एक दो बार सरसों खल का ही लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया था, लेकिन मुझे लगता है कि सरसों खल का फर्टिलाइज़र की तासीर गर्म होती है, तो आजकल गर्मियों में देना सही नहीं है। प्याज के छिलकों के फर्टिलाइज़र की तासीर ठंडी होती है, तो उसको हम दे सकते हैं, तो मैं उसी को देती हूँ। इसे एक दो बार मैंने अभी उसको भी दिया है, और पहले मैंने इसको मस्टर्ड खल का दिया था, तो पौधे में बहुत अच्छा इफ़ेक्ट मैंने पाया है। तो ये था मेरे बालसम प्लांट का अपडेट जो मैंने आपसे शेयर किया। हाँ, जब इसमें जाले लगे थे वो अपडेट मैं शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि एक तो मुझे अचानक से दिखा एक दिन कि इसमें जाले और लगे, फिर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि ये नहीं बचेगा। फिर मैंने पिंचिंग भी अचानक कर दी, और उस वक्त मैं वीडियो बनाना भी भूल गई, क्योंकि जब प्लांट मर रहा हो और दुख हो रहा हो तो जाहिर सी बात है इंसान को वीडियो बनाना भी नहीं सूझेगा। और अब अच्छा हो गया और सामने बहुत प्यारा भी दिख रहा है, तो अब मैंने वीडियो बना दिया और शेयर कर दिया। तो ये था मेरे बालसम प्लांट का एक्सपेरिमेंट जो कि सफल रहा है, और मेरा प्लांट बच गया है, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। तो मैंने आप लोगों से भी शेयर किया, आप लोगों का धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे सुना मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों। नई वीडियो में फिर से मिलूंगी अपने नए एक्सपेरिमेंट के साथ। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।